अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चप्पल कबाब। चप्पल कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गाय का कीमा, 1 पाव प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 पाव टमाटर, इसको भी आपने बारीक काट कर लेना है, हरा धनिया आधी कटी, इसको आपने बारीक काट लेना है, 3 हरी मिर्ची, इसको भी आपने बारीक चॉप कर लेना है, 2 ददंडे, आधा कप आटा, 1 कप बेसन। मसालों में आपको आधी चाय का चम्मच हल्दी चाहिए, 2 खाने के चम्मच अजवाइन, 2 खाने के चम्मच अनारदाना, 2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच मैंने सूखा धनिया और जीरा लिया था, उनको भून के मैंने मोटा मोटा भून लिया है, 1.5 खाने का चम्मच नमक लिया है, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसके 3 अदद लीमू मैं यूज़ करूँगी, ये छोटे साइज़ के लीमू हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम अज़ा को आप कीमे में शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कीमे को आप एक बड़े बर्तन में डालें और इसमें तमाम अज़ा शामिल कर दें, उसके बाद तमाम मसाले ऐड कर दें। हरा धनिया डाल दें, नींबू का रस, अंडा, पहले आप 1 अंडा डालिए, इसको मिक्स करके देखें, अगर आपका मिक्सचर ठीक है तो आप दूसरा अंडा ऐड ना करें। मैं अभी इसको मिक्स करूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा अंडा ऐड कर दूंगी। अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें और इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए फ्रेंड्स, कीमा अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, मुझे दूसरा अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कीमे के अंदर थोड़ी सी चर्बी मौजूद थी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे आपको अगर लगे कि आपका कीमा टूट रहा है, जोड़ नहीं रहा, तो आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप छोटा सा कबाब बना के देख लें, आपको अगर मिर्चें नमक कम ज़्यादा लगती हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर आपके हाथ में लें और इसको अच्छी तरह प्रेस करके कबाब की शक्ल दे दें। आप इसके ऊपर टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप टमाटर को राउंड काट के इसके ऊपर